वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। पानीपत के स्मालखा खंड के निवासी विनोद बेनीवाल का अफ्रीकी देश में आतंकवादी संगठन अल शबाब ने अगवा कर $1 बिलियन की फिरौती मांगी है। मार्च से अब तक विनोद की वापसी न होने पर परिजन परेशान हैं। आरपीएफ में तैनात छोटे भाई सतेंद्र और दोस्तों ने पीएम से ट्विटर पे पोर्टल पर रिहा करने की गुहार लगाई है। ये 5 साल पहले गया था जी। ये तो खुशी मतलब अपनी मर्जी से गए थे हम तो, भी कैसे भी मौका मिल जाए सब खून जाओ खून सब चले जाए हैं तो वहाँ बढ़िया तरिया रह रहे हैं, बढ़िया तरिया रहे थे, बढ़िया तरिया हमारा काम चल रहा था। उस दिन भी 24 मार्च में हमारी बढ़िया तरिया बात हुई, उसका फ़ोन आया 2:30 बजे उसने फ़ोन कराया, वैसे सुबह कर लिया करा था, राजी खुशी पूछी, सारे परिवार की पूछी, बच्चे की पूछी, फिर उसके बाद हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। पत्नी ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका पति विनोद 2015 में वर्क वीजा पर मोजाम्बिक में गया था, वहां पर उसके अन्य रिश्तेदार भी नौकरी करते हैं। अफ्रीका के मोजाम्बिक में फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर नेचुरल गैस का प्लांट लगाया था, इसमें विनोद ब्रांच मैनेजर के तौर पर तैनात था। यहां पर इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े कुछ आतंकवादियों ने 24 तारीख को उत्तरी मोजाम्बिक के पाल्मा शहर पर हमला कर दिया और 24 मार्च से ही विनोद से संपर्क टूट गया। मोजाम्बिक में भारतीय दूतावास के अधिकारी से बात की लेकिन कोई जवाब नहीं मिल पाया। बस मेरे तो यही बताई है कि वो किडनैप कर रहा क्या है। किसने, किन लोगों ने? उन्हीं के पास फोन आया होगा। तो पैसे की डिमांड कर रहे हैं वो लोग? हाँ, पैसे की डिमांड कर रखी है। हाँ, पैसे की डिमांड कर रखी है उन्होंने। उसने, उसका फोन आया था उसके पास कि मैं किडनैप कर रखा हूँ, अरे ये पैसे के बिना छोड़े नहीं। तो फिर ये आर्मी नहीं वो करन दे रही, आर्मी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही हमारे साथ, वहाँ की सरकार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही कि भाई ये पैसे दे के बात हो जाए, हमारी मामला सुलझ जाए, हमारा बंदा हमारे घर आ जाए। किन लोगों ने किडनैप किया, क्या किन किडनैप करने वाले कौन लोग हैं? वो वहीं के हैं टेररिस्ट। तो अभी आप क्या चाहते हैं भारत सरकार से, आपकी क्या अपील? मेरी तो यही अपील है प्रधानमंत्री जी से कि वो उस सरकार से प्रेशर गे रहे और उनको कहे कि आर्मी थोड़ा टाइम दे, उनकी बात करें और वो जैसे भी हो, चाहे पैसा में हो चाहे वैसे भी कैसे भी, मेरे हस्बैंड को हमारे पास ले काम है। क्योंकि देखो वो ऐसा रहा है जी हमारा, और कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, हम कुछ कर लें। परिवार वालों के अनुसार आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया है। आतंकियों ने विनोद को छोड़ने की एवज में $1 बिलियन की मांग की है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके पति को उनके चुंगल से छुड़वाकर भारत वापस लाया जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय है, एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर, कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812214545। Make your
हैं।